हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने फाइल पॉइंटर, जिसको हम फाइल हैंडलिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? हैंडल मतलब क्या होता है? हैंडल मतलब किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, हैंडल मतलब वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल को एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक फाइल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? हम कुछ फाइल को एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ उसमें लिख के कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ उसमें क्या कुछ और ऑपरेशन जैसे कि डिलीट करके कर सकते हैं उसको कंट्रोल, या फिर वो फाइल को हम कहीं पे मूव करके कर सकते हैं कंट्रोल। तो ऐसा ही कुछ कुछ हम करने वाले हैं इस कंट्रोलिंग में, जिसको हम बोलेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं? एक फाइल के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, फाइल के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज के वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बेसिक चीज़ों है वो हम डिस्कस, एक तरह से बोलते हैं थियोरेटिकल लेक्चर होने वाला है, और इसका जो प्रैक्टिकल लेक्चर होगा वो एक दो वीडियो के बाद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, मतलब कुछ कुछ एग्जांपल शुरू कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो अब जानते हैं फाइल हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग मेरा जो है, फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है इन विच वी क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज ऑपरेशन ऑन ए फाइल। एक फाइल पर हम क्या करेंगे, एक फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग एक मेरा प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करेंगे, हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, या फिर उसको ओपन करेंगे, या फिर उसको रीड करेंगे, या राइट करेंगे, या फिर क्लोज करेंगे फाइल को। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मेरा क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइल के ऊपर डिफरेंट वे में ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि क्रिएट करना हो गया, ओपन करना हो गया, रीड करना हो गया, राइट करना हो गया, या फिर डिलीट करना हो गया, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं फाइल हैंडलिंग का जरूरी के ऊपर सवाल तो होगा, फाइल हैंडलिंग का जरूरी क्यों पड़ गया? जैसे मान लेते हैं फाइल हैंडलिंग का जरूरी पड़ गया, उससे पहले हम आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो नंबर के सम का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, या फिर दोनों का सम का प्रोग्राम, छोड़िए आप क्या किए, आप टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं, जैसे लेके एक से लेके हमको 1 to 20 हमको टेबल लिखना है, टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो आप जब प्रोग्राम बना दिए, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं, हाँ 1 to 20 मान लीजिए, जब आप ये प्रोग्राम 1 to 20 तक के पर टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं, तो क्या होगा, प्रोग्राम बनाए, ठीक है, प्रोग्राम बन गया, इसको रन कराएं, आउटपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया मेरा। ठीक है, अब आउटपुट दे दिया, तो अब मान लेते हैं हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हम इसको अगर फाइल में सेव करना चाहेंगे, ठीक है, फाइल में सेव, अभी छोड़िए, मान लेते हैं आउटपुट मेरा आ गया, आउटपुट आ गया, आप प्रोग्राम बंद कर दिए, लैपटॉप बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, तब क्या होगा मेरा, तब मेरा ये प्रोग्राम जो मेरा ये हम लिखे हैं प्रोग्राम को, इसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, फिर से इसको रन करके हमको आउटपुट लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन ये हम मान लेते हैं हमको ये किसी को भेजना होगा, 1 to 20 तक का पहाड़ा को हमको किसी को भेजना होगा, तो हम कैसे भेजेंगे, यही हम प्रोग्राम भेजेंगे, कहेंगे बार बार तुम करके रन करके देखना है, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे, और ये जो इसका जो आउटपुट है ना, ये इसका आउटपुट को हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को हम फाइल में सेव कर लेंगे, यूजिंग फाइल हैंडलिंग हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को, मतलब 1 to 20 तक का पहाड़ा जो लिख के आएगा, 1 to 20 तक का पहाड़ा जो टेबल जो लिख के आएगा, उसको हम नहीं करेंगे, जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे ना, तो खुद वो क्या होगा, फाइल में सेव हो जाएगा, उसको हम नहीं करेंगे, मतलब हम जब फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे तो वो खुद ब खुद फाइल में सेव हो जाएगा, और जिसका एक्सटेंशन रहेगा बताएंगे क्या रहेगा, अभी जिसका एक्सटेंशन रहेगा TXT रहेगा, या फिर .bin रहेगा। ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है, समझ गए फाइल हैंडलिंग का जरूरी क्यों पड़ा। फाइल हैंडलिंग का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी हम प्रोग्राम चला दिए उसका आउटपुट भी आ गया, आउटपुट आ गया तो मान लेते हैं प्रोग्राम बंद करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट हट जाएगा, आउटपुट फिर से हमको देना पड़ेगा इनपुट, और फिर आउटपुट लेना पड़ेगा, तो ये हमारा कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लेते हैं हमको क्या करना है, किसी को जैसे कि बताएं किसी को भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार हम इनपुट आउटपुट दे करके भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको फाइल में सेव करेंगे और फाइल हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज क्यों करेंगे, ये व्हाई का आंसर कुछ कुछ पॉइंट में दिए हैं। जैसा क्या क्या है, पहला रीयूजबिलिटी, पहला पॉइंट मेरा है रीयूजबिलिटी के कारण हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये मतलब फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब रीयूजबिलिटी में क्या है, रीयूजबिलिटी में है मेरा द डाटा स्टोर इन अ फाइल कैन बी एक्सेस्ड। एक मेरा क्या है, मेरा एक फाइल में क्या है, मेरा डाटा स्टोर है। ठीक है, उसको एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे एनीवेयर एंड एनी टाइम प्रोवाइडिंग हाई रीयूजबिलिटी, मतलब हम कभी भी किसी समय में कहाँ पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, किसी भी समय में कहीं से भी हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरा, एक क्या प्रोवाइड करता है रीयूजबिलिटी, मतलब रीयूज करने का हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेरा
फाइल पॉइंटर, मतलब फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब हमको फिर से यूज करने में काम आता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, हम क्या किए, प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम के मदद से हम फाइल में कुछ लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फाइल को हम फिर से एक्सेस करके इसमें कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्या इसी फाइल को हम रीयूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये मेरा रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को बढ़ा देता है, मतलब हमको यह हाई रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगला मेरा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, पोर्टेबल मतलब वही होता है। विदाउट लॉसिंग एनी डाटा, विदाउट लॉसिंग एनी डाटा फाइल कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इन द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी डिवाइस में हम क्या करेंगे, बिना अपने डाटा को लॉस किए, जैसे यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं 120 वाला, 120 तक के पहरा हम प्रोग्राम लिख दिए, वैसे करेंगे तो बहुत कम, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 120 तक, 120 तक हम पहरा लिख दिए, टेबल लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको हमको किसी को भेज देंगे, तो भेज देंगे तो उसके पास चला जाएगा, लेकिन बिना किसी डाटा के लॉस हो, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा एक के टेबल गायब हो गया और दूसरे लेकर 120 तक का चल गया, तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी डाटा का लॉस नहीं होगा। जैसा फाइल पॉइंट, जैसा फाइल मेरा बनेगा वैसा ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, विदाउट लॉसिंग एनी डाटा, बिना कोई लॉस के हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। तो अब आते हैं अगला मेरा एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब आते हैं, अब अगला मेरा क्या है, वाई का यू आंसर देगा मेरा अगला एफिशिएंट। पहला क्या, रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी के कारण हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है पोर्टेबिलिटी के कारण यूज करते हैं। तीसरा है मेरा एफिशिएंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के लिए मान लेते हैं हमारा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम या फिर इनपुट हमको देना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग अलाउ टू इजिली एक्सेस अ पार्ट ऑफ द फाइल यूजिंग फ्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ द, ये लिखा हुआ है जो छोड़िए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये फाइल है मेरा, ये मेरा फाइल है, फाइल में कुछ कुछ लिखा गया है, ये फाइल में कुछ कुछ लिखा गया है। अब हम चाहते हैं ये फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं या फिर कुछ डिलीट करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमको फाइल कंसेप्ट, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट हमको मालूम नहीं रहता, तो क्या होता है, हमको लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोग्राम लिखना पड़ता है, या फिर हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, वो कोई ठीक नहीं है इसका, वो का कंसेप्ट अगर हमको मालूम होता तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर मान लेते हमको कंसेप्ट यूज नहीं होता, मालूम नहीं होता, क्या होता, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा मथा खपाना पड़ता था, वो हमको एक्सेस होता। लेकिन यहाँ पे हमको फाइल हैंडलिंग की मदद से क्या होगा, मेरा ये काम को इफिशियंट कर देगा, मतलब हमको कम टाइम में ही फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, कम टाइम में हम इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, और एरर का चांसेस भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो वही मेरा बोला जाता है एफिशिएंट में, मतलब मेरा काम एफिशिएंट तरीका से हो रहा है, क्यों, क्योंकि फाइल हैंडलिंग आया तो उसको हम जस्ट कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और कहेंगे फाइल को एक्सेस करो और उसमें इस जगह पर अपडेट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा काम एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मदद से हमें, इस वजह से हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। अगला मेरा है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, फाइल अलाउड यू टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट, इधर इसका लिखा गया था, ठीक है। फाइल अलाउ टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द स्टोरिंग एवरीथिंग। मतलब क्या हो, जैसा कि बताया था, क्या फाइल हैंडलिंग का हम यूज करेंगे तो हमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमको स्टोर करना है इसको। जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे तो हमको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारा फाइल स्टोर होगा कि नहीं होगा, फाइल हैंडलिंग खुद उसको स्टोर कर देगा। जैसा जैसा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता जाएगा वैसा वैसा मेरा फाइल बनते जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा अगला पॉइंट कहा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब हमारा फाइल जो बनेगा वो मेरा स्टोर होते जाएगा, ठीक है। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, कोई वरी नहीं होना है, डोंट वरी अबाउट हो जाता है ना, तो ये वरी नहीं होना इसके बारे में, ये खुद ब खुद लगातार साइमल्टेनियसली मतलब कंटिन्यूअस एक काम होते जा रहा है, लगातार वो भी होता जा रहा है, ठीक है। तो वैसे मेरा प्रोग्राम रन करते जाएगा और मेरा वो फाइल जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वैसा वैसा फाइल में वो करते जाएगा, ठीक है। तो इतना चार पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। यही चार पॉइंट, पहला क्या है मेरा, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंट और स्टोरेज कैपेसिटी। चार पॉइंट के कारण हम क्या करेंगे, अपना फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट आया और इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आज चलते हैं, मान लेते हैं फाइल तो आ गया, ठीक है। अब फाइल को, फाइल का टाइप कितना है, अगर मान लेते हैं आपको एक फाइल लिखने के लिए दे दिया तो फाइल का आप कितना टाइप से लिख सकते हैं, देखते कहिएगा। आप कह रहे हैं कुछ, मान लीजिए वर्ड फेड में क्या लिखते हैं, कोई भी क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से फाइल है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑन द टाइप ऑफ फाइल, आप जानते हैं आप टाइप ऑफ फाइल। तो पहला फाइल मेरे पास होता है, पहला टाइप का फाइल जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब क्या होता है, करेक्टर सेट ऑफ करेक्टर इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा गया है, ए टेक्स्ट फाइल कॉन्टेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ASCII करेक्टर, क्या इन द फॉर्म ऑफ ASCII करेक्टर एंड इज जनरली यूज टू स्टोर स्ट्रीम ऑफ करेक्टर। ये फाइल जो हमारा यूज होता है, ये करेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं करेक्टर क्या होता है,
ए बी सी डी ए डबल पी एल ई या फिर क्या कुछ और एम एन जी ओ, ये सब मेरा क्या है, मेरा क्या है, ये सब करेक्टर्स है, ये सब करेक्टर्स हैं। तो इसको यूज करने के लिए या इसको क्या करते हैं, इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का यूज करेंगे। क्या लिखा गया है, ये टेक्स्ट फाइल कंटेंट क्या कंटेंट करता है, ये डाटा इन फॉर्म ऑफ एस्काई कैरेक्टर, एस्काई फॉर्म के कैरेक्टर, एस्काई के रूप में ये करता है स्टोर। इज जनरली यूज टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए करता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेरा ये टेक्स्ट फाइल का यूज होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल टाइप ऑफ फाइल में क्या है, मेरा पहला फाइल टेक्स्ट फाइल है। अब दूसरा फाइल क्या है, मेरा दूसरा फाइल मेरा है बाइनरी फाइल। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो, जिसको हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में 01 बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फाइल मेरा क्या होता है, इसके बारे में लिखा गया है, ये बाइनरी फाइल कंटेंट, ये बाइनरी फाइल आप क्या कंटेंट करता है, डाटा इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में मतलब 01 के फॉर्म में ये मेरा क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, कंटेंट डाटा डेट इज स्टोर इन द सिमिलर मैनर टू हाउ टू स्टोर ए डाटा इन मेन मेमोरी। बाइनरी फाइल में क्या होता है मेरा, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैप पे लिखे हैं, तो बाइनरी फाइल में क्या होगा, बाइनरी फाइल में मेरा ये सही है। जैसे मेमोरी में क्या होता है स्टोर, जैसा कि आप पढ़े होंगे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है मेरा स्टोर, 01 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट फाइल में क्या हो रहा था, टेक्स्ट फाइल में मेरा कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो रहा था डाटा। अब यहाँ पे बाइनरी फाइल में क्या होगा, बाइनरी फाइल में मतलब दो वैल्यू लेगा, सिर्फ 0 और 1। तो 01 लेगा तो इसमें हमारा डाटा जो सेव होगा वो मेरा 0101 के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 0100 भी इसका होगा, जो भी इसका होगा इसका वैल्यू के मदद से वो 01 में 01 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और तब स्टोर करेगा। तो ये मेरा पास ये जो बाइनरी फाइल होगा, बाइनरी फाइल सीखने में डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्या 100% केस में हम यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल का। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फाइल पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 010 जैसे हम क्या कर रहे थे कंपाइलर में, क्या कर रहे थे हम कंपाइल करके 01 में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमको कंपाइलर का जरूरी क्यों पड़ा था, कंपाइलर का जरूरी इसलिए पड़ा था क्योंकि हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा था, और वो आएगा भी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते थे कंपाइलर लाते थे, वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे बाइनरी फाइल को नहीं पढ़ के हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल को। तो टेक्स्ट फाइल को पढ़ेंगे तो इसमें क्या, अब मान लेते हैं टेक्स्ट फाइल आया तो अभी पता चल गया क्या टाइप्स ऑफ फाइल में क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल में मेरा पहला है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, टेक्स्ट फाइल में मेरा कैरेक्टर रहेगा स्टोर और बाइनरी फाइल में बाइनरी जैसे 01 हो गया वो उस टाइप में स्टोर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम बताए हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज क्या करेंगे, हम मैक्सिमम केस में यूज करेंगे, मैक्सिमम क्या 100% केस में हम यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल अब आते हैं, टेक्स्ट फाइल प्रोसीजर समझ में, पहले फाइल हैंडलिंग जाने, फाइल हैंडलिंग क्यों पड़ा, उसके बाद कितने तरह का फाइल होता है वो जाने, उसके बाद हम टेक्स्ट फाइल का यूज कर, आप टेक्स्ट फाइल जैसे मान लेते हैं कि अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, जैसे मान लेते हैं इसमें कुछ लिखा गया है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें ये एप्पल ये लिखा गया है। ठीक है, ये फाइल में मेरा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए हम इस पर ये जो मेरा फाइल है, ये फाइल में हम क्या क्या चीज़ ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, इस टेक्स्ट फाइल में जो है इसका एक्सटेंशन होता है ना, इसका .txt एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन। ठीक है, और बाइनरी फाइल का मेरा होता है .bin, .bin इसका एक्सटेंशन होता है, इसका एक्सटेंशन .txt होता है। ठीक है, और मेरा जो टेक्स्ट फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल का हर एक लाइन जो एंड होता है वो मेरा बैक स्लैशन, जिसको हम बोलते हैं क्या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वो इससे एंड होता है। ठीक है, मेरा इसका जो होता है बैक स्लैशन, इससे ई कैरेक्टर से हमारा टेक्स्ट फाइल का हर एक लाइन एंड होता है, तब ना लाइन चेंज होगा, बैक स्लैशन ही लाइन चेंज करने का काम करता है। तो मेरा हर एक एंड जो होगा वो मेरा बैक स्लैशन से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इस फाइल पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए मेमोरी में मेरा ये फाइल सेव है जिसमें एप्पल लिखा गया है। ठीक है, बस एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस फाइल पर हम कौन कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, अब आते हैं, हम देखते हैं ऑपरेशंस कौन कौन सा हम इस फाइल पे लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो हम पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हम पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई फाइल है ही नहीं, मेरे पास कोई फाइल बना है, हम नया फाइल बनाना चाहते हैं, तो पहला ऑपरेशन हम करेंगे क्या, पहला ऑपरेशन हम करेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल, हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम के मदद से हम क्या करेंगे न्यू फाइल मेमोरी में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से करेंगे, हम एफ ओपन के हेल्प से करेंगे। ठीक है, एफ ओपन के हेल्प से क्या करेंगे, ये सब आगे आएगा, बस इतना जान लीजिए हम कौन कौन सा ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो हम एफ ओपन के हेल्प से क्या करेंगे, विद ये सब जो होता है ना, ये सब भी हम आगे बताएंगे, जान लीजिए। एफ ओपन का हम जब न्यू फाइल हम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, तो हम एफ ओपन का यूज करेंगे और उसके साथ हम ए यू का यूज करेंगे, या फिर ए प्लस का, या फिर डब्ल्यू का, या डब्ल्यू प्लस का, ये सब आगे आएगा, बस अभी जान लीजिए। हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं,
ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन है मेरा पास क्या है, मान लीजिए मेरा पास कोई फाइल नहीं था, तो ये फाइल मेरे पास ओपन हो गया, ये फाइल हम क्रिएट कर लिए। तो अब क्या होगा, हम अगर मान लेते ये तो मेरे पास फाइल नहीं था तो हम फाइल को क्रिएट कर लिए। अब दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है, दूसरा फाइल मेरा क्या, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी मेमोरी में सेव है, एक ऑलरेडी मेरे पास फाइल सेव है, तो क्या करेंगे, ये फाइल को हम एक्सेस करेंगे, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो दूसरा ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो मेरे पास फाइल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफ ओपन, इसका भी हम एफ ओपन कहीं से करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, दो ऑपरेशन, एक क्रिएट फाइल कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं जो मेरा मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं ये फाइल ओपन हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इस फाइल में हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल में जो मेरा ये लिखा गया है, इस फाइल के डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब क्या लिखा गया है इस फाइल में, हम यूजिंग बिना फाइल को खोले यूजिंग प्रोग्राम के मदद से क्या कर सकते हैं, बस हमको मालूम चलना चाहिए फाइल का नाम क्या है, तो उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिना फाइल को ओपन किए हम उसके में क्या लिखा गया है वो पता चल लेंगे, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, अगला ऑपरेशन मेरे पास होता है रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल से हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे यूजिंग scanf और fgets, ठीक है। यहाँ पे fgets क्या है, scanf क्या है, ये सब हम बताएंगे अभी, जान लीजिए ये सब फंक्शन का यूज करेंगे ये सब ऑपरेशन में, ठीक है। अब अगला मेरे पास क्या है, मान लेते हैं मेरे पास फाइल में कुछ लिखा गया है ना, कुछ लिखा ही नहीं गया, फाइल मेरा एकदम खाली है, खाली फाइल बना हुआ है, वो फाइल को हम ओपन कर लिया, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ लिख सकते हैं। तो अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या होगा, राइटिंग टू ए फाइल, फाइल में हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखना है, क्या करेंगे तो लिखाएगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी बस जान लीजिए क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो क्या होगा, राइटिंग कर सकते हैं फाइल में, ठीक है, या फिर कुछ लिखा गया है फिर भी हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ लिखा गया इसके आगे भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, और कुछ नहीं लिखा गया तो हम शुरुआत से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फाइल में हम लिख सकते हैं, और कहाँ पर लिखना है वो आपका मर्जी। अब अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, अगला ऑपरेशन मेरे पास है ये, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो फाइल है, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है, एक फाइल में मेरा ये एप्पल लिखा गया है, एक फाइल में कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हम अगला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ये एप्पल जो डाटा है इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम मूव कर देंगे दूसरे फाइल में, पहले फाइल का जो डाटा है वो फाइल को हम क्या करेंगे, दूसरे फाइल में मूव कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए फाइल, मतलब हम इसके डाटा को दूसरे फाइल में मूव कर देंगे, ठीक है, यूजिंग fsec, ये सब फंक्शन है, और एक है मेरा रिवाइंड मेरा फंक्शन है, और fsec मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये सब फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम कैसे करना है बस अभी जान लीजिए, जैसा कि बताएं अभी बस जान लीजिए ये सब काम हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होगा वो आगे वाली आने वाली वीडियो में बताएंगे, अभी क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, मूविंग फाइल हो गया। अब और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मेरा सब मान लीजिए, या और इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट करना तो बताइए दिए, यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, अपडेट हो गया, डिलीट करना भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, मेरा सब कुछ हो गया तो क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो अगला ऑपरेशन मेरा सबसे लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग है फाइल, फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है, फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज भी करना जरूरी है, एक तरह से बोल सकते हैं कोई साबुत नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फाइल को ओपन किया है तो फाइल को लास्ट में क्या करेंगे, सब काम हो जाने के बाद हम फाइल को क्लोज करने वाला ऑपरेशन चलाएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम समरी बता देते हैं क्या क्या किए हैं डिस्कस, आज के वीडियो में हम डिस्कस किए हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम क्या कर देंगे, फाइल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे या फिर ओपन करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, क्लोज करेंगे, ये सब ऑपरेशन करेंगे, वो मेरा फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। उसके बाद हम जाने फाइल हैंडलिंग का हम यूज़ क्यों करें, यूजिबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए, एफिशिएंट के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी के, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा डाटा को सेव करके रखना है फाइल में, मेरा जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जिस भी चीज़ का लिख रहे हैं उस मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको हम क्या करेंगे, अपने फाइल में सेव करके रखना चाहेंगे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। अब आते हैं अगला हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ फाइल का, तो टाइप्स ऑफ फाइल में मेरा क्या है, मेरा टेक्स्ट फाइल है और टेक्स्ट फाइल के बाद बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल मतलब क्या है, जिसमें हमारा सिर्फ कैरेक्टर स्टोर रहेगा, और बाइनरी फाइल मतलब वो जो हमारा एक कैरेक्टर होता है वो मेरा जीरो और वंस के सेट में रहेगा स्टोर, ठीक है। इतना हम डिस्कस किया, उसके बाद हमने जाना एक हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर बाइनरी फाइल के भी ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल के बारे में क्या जाने, टेक्स्ट फाइल के बारे में हम ये जाने इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है, और टेक्स्ट फाइल का जो लाइन एंड होता है वो मेरा \n मतलब एस्केपिंग सीक्वेंस के ऐड होने से एंड होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब मेरा लास्ट में एंड होगा तो मेरा \n रहेगा ही रहेगा टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। बाइनरी फाइल में जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .bin, ये भी डिस्कस किए। उसके बाद हम क्या जाने
एक हम टेक्स्ट फाइल पर कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, पहले हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करेंगे, और दूसरा ओपनिंग करेंगे, अगर फाइल मेरा एग्जिट करता है तो उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग कर सकते हैं फाइल में, और राइटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या और फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सब फंक्शन का क्या यूज है ये सब हम जानेंगे, उसके बाद हो सकता है तो प्रोग्राम भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।